हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू डाउनग्रेड रियलमी 10 प्रो। तो गाइस, अगर यहां पर आपने अपने फ़ोन में यहां पर न्यू वर्जन जो है 14 वर्जन जो है गाइस यहां पर आपने अपडेट कर चुके हो, इंस्टॉल कर चुके हो, तो गाइस अगर आपको यहां पर 14 वर्जन में जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो गाइस अगर आप उसे डाउनग्रेड करना चाहते हो तो कैसे उसे डाउनग्रेड कर सकते हो, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर ड्रॉइड फिक्स लैब ऐप में आ जाना है। ये ऐप की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही गाइस आप ऐप में एंटर करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। गाइस आपको यहाँ पर ऊपर फर्स्ट आपको यहाँ पर वर्जन अनइंस्टॉल करके शो हो रहा होगा, सिंपली से आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस यहाँ पर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा एंड OS वर्जन एंड्रॉयड 14। तो गाइज यहाँ पर ये जो ऐप है ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है गाइज यहाँ पर कौन से वर्जन का आपका यहाँ पर फ़ोन है। तो गाइज यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है यहाँ पर 14 वर्जन का फ़ोन है। तो गाइज अब हमें इसे 13 वर्जन में डाउनलोड करना है। तो गाइज यहाँ पर हम इसे क्लिक करके नीचे क्लिक करके 13 वर्जन में सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही गाइस यहाँ पर डाउनग्रेड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपका जो डाउनग्रेड का प्रोसेस जो है गाइस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो बस गाइस आपको यहाँ पे वेट करना है। गाइस यहाँ पर ये जो ऐप है ये ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके गाइस ये जो है आपके वर्जन जो है आपके 14 वर्जन को डाउनग्रेड करके 13 वर्जन जो है गाइस आपके फ़ोन में जो है इंस्टॉल कर देगा। तो गाइस बस आपको यहाँ पर वेट करना है। एंड गाइज आपको यहाँ पर जब आपका ये प्रोसेस चल रहा होगा गाइज तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के नेट को ऑन रखना है, क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पर अपने नेट को ऑफ रखें तो गाइज यहाँ पर आपका प्रोसेस जो है यहाँ पर नहीं चलेगा, नहीं वर्क करेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये जो ऐप है यहाँ पर ये ऑनलाइन वर्क करता है, ऑनलाइन प्रोसेस करता है। एंड गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी गाइज यहाँ पर आप अपने वजन को जो है डाउनग्रेड करना चाहते हो तो गाइज उससे पहले आपको अपने फ़ोन को चार्ज कर लेना है 80% के अबव। अगर 80% से कम में गाइज डाउनग्रेड करोगे तो प्रॉपरली जो है डाउनग्रेड नहीं हो पाएगा। तो गाइज आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड गाइज यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्या अगर हम हमारे वर्जन को जो है डाउनग्रेड करेंगे तो क्या हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी हमारे फ़ोन की सारी फ़ोटोज़ यानी सारी चैट्स सारी कॉल्स सारी डिलीट हो जाएगी? तो नहीं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गाइज यहाँ पर ये जो ऐप है ये बिल्कुल सेफ़ है। गाइज यहाँ पर ये ऐप जो है आपका बिल्कुल सेफ तरीके से गाइज जो है आपके वर्जन को जो है डाउनग्रेड कर देगा। तो गाइज बस आपको यहाँ पे वेट करना है। गाइज जैसे ही आपका यहाँ पर डाउनग्रेड का प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको यहाँ पर लिख के आएगा डाउनग्रेड सक्सेसफुल, यूआर डिवाइस वर्जन डाउनग्रेड हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो गाइज आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइज यहाँ पर आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन जो है एक बार स्विच ऑफ होगा। स्विच ऑफ होने के बाद गाइज ये जो है ऑन हो जाएगा। तो गाइज आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिए तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो चलिए गाइज यहाँ पर हम ड्रॉइड फिक्स लैब ऐप में जाके चेक कर लेते हैं हमारे वर्जन को। तो यहाँ पर हम ड्रॉइड फिक्स लैब ऐप में एंटर आ जाते हैं। आने के बाद गाइज यहाँ पर हमें वर्जन अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा वर्जन 13। तो गाइज यहाँ पर पहले वर्जन जो था यहाँ पर 14 वर्जन था, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अब जो है ये 13 वर्जन में जो है डाउनग्रेड हो चुका है। तो गाइज आपको यहाँ पर एक चीज़ बतानी है, गाइज यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ड्रॉइड फिक्स लैब ऐप के थ्रू गाइज यहाँ पर हमने जो है हमारे वजन को जो है डाउनग्रेड किया है, तो गाइज यहाँ पर ये जो ऐप है ये पेड ऐप है, यानी अगर आपको यहाँ पर अपने ये ऐप में अपने वर्जन को जो है अनइंस्टॉल करना है, डाउनग्रेड करना है, तो गाइज आपको यहाँ पर कॉइन परचेस करना होगा। कॉइन कैसे परचेस कर सकते हो? सिंपली आपको ऊपर 3 लाइन शो हो रहा होगा, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको कॉइन रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉइन रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम आपको 10 कॉइन से लेके 100 कॉइन तक परचेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज आपको यहाँ से कॉइन परचेस कर लेना है। एंड देन गाइज उसके बाद जो है अपने वर्जन को जो है अनइंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज आपको यहाँ से पहले कॉइन परचेस कर लेना है। तो देख सकते हो गाइज कैसे मैंने अपने फ़ोन से ही घर बैठे बैठे बिना किसी प्रॉब्लम के गाइज अपने वर्जन को जो है 14 वर्जन से 13 वर्जन में डाउनलोड कर चुका हूँ। तो गाइज आप भी डाउनलोड कर सकते हो। गाइज बस जो स्टेप बताया उस स्टेप को फॉलो करना है, आपका भी 100% जो है डाउनलोड हो जाएगा।
और गाइस आप देख सकते हो मेरा फोन जो है यहाँ पे पूरा वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है डाउनलोड करने के बाद। तो गाइस अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।